क्वाड कोर, ऑक्टा कोर या 1.8 GHz या 2.2 GHz? क्या आप भी परेशान हैं इन सारे बातों से? तो आज के वीडियो आपके नाम। मैं हूं सायन, आप देख रहे हैं एसी टेक्निकल ट्रांसलेशन। तो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका जब पुराना फ़ोन लैग करता है या फ़ोन जब गर्म होता है या उसका बैटरी जब जल्दी घटता है तो आपको समझना चाहिए कि आपका प्रोसेसर वीक है। क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, 1.8 GHz या जो 2.2 GHz, ये जो टर्म है ना, ये जो सारे टर्म है, ये कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं प्रोसेसर से। दुनिया में ऐसे 5 कंपनी है जो प्रोसेसर को तैयार करता है, जैसे कि स्नैपड्रैगन हो गया, मीडियाटेक, सैमसंग, हॉनर और हमारा जो है नुबीडिया। ये 5 कंपनी प्रोसेसर को तैयार करता है और इसका जो डिज़ाइन है ये बनाता है आर्म ने। आर्म ने इसका डिज़ाइन तैयार करता है। तो ये तो सब आपने जान लिया, लेकिन कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेहतर है, दोनों प्रोसेसर में आप कंपेयर कैसे करें, ये भी बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो का अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए। बढ़ते ही आगे कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेहतर होगा। सिर्फ गीगाहर्ट ज़्यादा होने से प्रोसेसर अच्छी नहीं होती, इसमें बहुत सारी बात डिपेंडेंट होते हैं। पहले तो प्रोसेसर का डिज़ाइन, प्रोसेसर का डिज़ाइन मैंने पहले भी बता दिया कि प्रोसेसर का डिज़ाइन आर्म ने डिज़ाइन करता है। ये जो डिज़ाइन है इसका नाम कुछ ऐसे तरीके से होता है कि कॉर्टेक्स A50, कॉर्टेक्स A55। अब सीधी भाषा में समझ लो कि कॉर्टेक्स A55 से वीक होगा, मतलब कॉर्टेक्स A55 ज़्यादा बेहतर होगा A50 के मामले में। और आगे की बात जो है वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। टेक्नोलॉजी, प्रोसेसर का जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छा होना चाहिए। वो किस मतलब वो किस टेक्नोलॉजी पे बेस है, वो है प्रोसेसर का टेक्नोलॉजी के बाद बताते हैं टेक्नोलॉजी कि इस प्रोसेसर में बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ये ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा प्रोसेसर उतना तेज़ी से काम करेगा। मतलब ट्रांजिस्टर जो है उसको नैनोमीटर में कैलकुलेट करते हैं। अब तो हमारा निकल गया स्नैपड्रैगन 855 जो एक 5G प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर का है। इससे भी ज़्यादा है कि 14 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, मतलब आप समझ लो कि 14 नैनोमीटर के हिसाब से जो 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे जो है वो है हमारा क्वाड कोर या ऑक्टा कोर। मतलब कोर क्या है, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर। क्वाड कोर का मतलब है इसका 4 कोर होगा और ऑक्टा कोर का मतलब है इसमें 8 कोर होगा। ये जो कोर है ना, इसका मतलब है कि जो जिसका 4 कोर है वो एक साथ 4 काम को एक साथ करेगा और जो 8 कोर है वो 8 काम एक साथ करेगा। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि 4 कोर से 8 कोर बेहतर है, लेकिन क्या है कि वो एक काम को करने में वो एक काम को ही 4 बार कर सकता है। तो वो प्रोसेसर का जो मैंने पहला जो 2 बात बताया उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और आगे का जो बात है वो है गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। 1.8 GHz है, 2.2 GHz, इसमें तो बारे में आप सुना ही होगा। 1 GHz का मतलब होता है कि वो प्रोसेसर 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम करेगा। 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम करेगा वो प्रोसेसर। तो ये होता है गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर डिपेंडेंट। तो आपका प्रोसेसर ये भी होता है कि 1 GHz का है, मतलब 1 सेकेंड में 10 करोड़ बार काम करेगा, लेकिन वो एक काम को करने में 10 करोड़ बार लगा सकता है, 10 करोड़ बार काम कर सकता है। मतलब आपने व्हाट्सएप खोला तो वो व्हाट्सएप को खोलने में 10 करोड़ बार काम कर सकता है, तो वो प्रोसेसर स्लो होगा। तो ये डिपेंडेंट होता है अगले 3 स्टेप के ऊपर। तो आपने सिर्फ एक चीज़ों पर नज़र डालकर एक प्रोसेसर को कंपेयर नहीं कर सकते, आपको सारी चीज़ों को समझ आना चाहिए, मतलब सारी चीज़ों का आपको जानना चाहिए, तभी आप एक प्रोसेसर को कंपेयर कर सकते हो। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। और ऐसी नए नए वीडियो में लाता रहता हूँ तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।